धनतेरस के पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आपका घर धन धान्य और समृद्धि से भरा रहे। प्रकाश पर्व पर आपके जीवन में एक नया प्रकाश हो और आपके जीवन में अनेकानेक खुशियों के नए रंग आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो फ्रेंड्स, आज है 12 नवंबर 2020 दिन है बृहस्पतिवार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखिए, सर्च करिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर। आप हमसे सीधे सीधे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमसे वहां पर बात भी कर सकते हैं। तो सीटेट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सीटेट परीक्षा 2020 में वर्तमान समय में सीटेट के लिए जो एग्जाम सिटी के लिए करेक्शन का काम है वो चल रहा है। अगर आपने अभी तक अपना मनपसंद जिला नहीं चुना है परीक्षा के लिए और आपने सीटेट में आवेदन किया हुआ है तो आप 16 नवंबर 2020 तक जाकर करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आपका नज़दीकी जिला है उसमें अपना परीक्षा केंद्र ले सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपने अपना मनपसंद शहर, मनपसंद जिला आपने चुन लिया है, यानी कि अगर आपको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है तो रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका परीक्षा केंद्र दूर है, आप अपना परीक्षा केंद्र और पास या फिर मनपसंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो प्रक्रिया है वो 16 नवंबर तक आप पूरी कर सकते हैं। वेबसाइट है cet.nic.in। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक सूचना और भी दे दूँ कि सीटेट के लिए आज से हमारे चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप लोग आइए, प्रैक्टिस कीजिए और इस बार परीक्षा में बहुत ही बेहतर अंक लेकर, जो है सम्मानजनक अंक लेकर उत्तीर्ण हुई है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित जो TGT और PGT के शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बुधवार को भी अपना धरना जारी रखा है। चयनित शिक्षकों के संबंध में मंगलवार को हुई चयन बोर्ड की बैठक में शिक्षकों के समायोजन की बात ही नहीं हुई। चयन बोर्ड का कहना था कि अध्याचन के अनुसार उन्होंने शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन कर दिया, अब उनकी ज्वाइनिंग की जिम्मेदारी संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक की है। ऐसे में चयन बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर चयनित शिक्षकों को पदभार ग्रहण करने का आदेश जारी कर दिया है। तो ये जो शिक्षक हैं उनके बारे में खबर है। और अब आपको ये भी बता दें कि एक बहुत ही गुड न्यूज है आप लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश में 9400 SI यानी कि सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी इस पर आवेदन भी लिए जाएंगे। परीक्षा जो है वो जनवरी में कराने जाने की बात कही जा रही है। पूरी खबर ये है कि यूपी पुलिस में जल्दी 9400 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती होगी। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए आगामी जनवरी में परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी कर रहा है, यानी कि बहुत जल्दी परीक्षा की तैयारी भी हो रही है। परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। तो भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार विश्वकर्मा जी, उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब शासन से आगे की प्रक्रिया के लिए अनुमति मांगी गई है। बोर्ड इसके लिए बृहस्पतिवार तक शासन को पत्र भेजेगा। अनुमति हासिल होने के बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन के परीक्षण की प्रक्रिया में करीब 1 माह का समय लगेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी। और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इसके अलावा जो उप निरीक्षक यानी कि मिनिस्ट्रियल के लगभग 3000 पद हैं तो उस पर भी भर्ती शुरू होगी। इसमें घुड़सवार और पुलिस के पद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज कितना हो गया, 12 नवंबर और जनवरी में आपकी परीक्षा होनी है। तो फिलहाल आपको अपनी तैयारी तो शुरू कर ही लेनी चाहिए। परीक्षा में अगर 10-5 दिन आगे पीछे होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपने अभी तक हमारे स्टडी विज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड्स, वहां पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि जो भी न्यूज है, जो भी खबरें हैं वो आपको स्टडी विज्ञान प्रकाश 2.0 पर मिलेंगी। और जो मुख्य चैनल आप देख रहे हैं इस पर सभी परीक्षाओं से संबंधित मॉडल पेपर, इसके अलावा जो फाउंडेशन कोर्स हैं, इसके अलावा और भी तमाम चीजें, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, जहाँ पर आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लिंक दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। मतलब ये कि TGT 2020 के बारे में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के जो पद हैं उनको शामिल करने के बारे में निर्णय लिया गया था मंगलवार को ही बैठक में। और अब ये निर्णय लिया गया है कि बहुत जल्दी अध्याचन मंगा कर इस भर्ती को जीव विज्ञान के लिए भी खोल दिया जाए। तो 2019 और 2020 में जितने भी पद खाली हैं उनके सापेक्ष अपर शिक्षा निदेशक यानी कि MD माध्यमिक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से अध्याचन मांग लिया है।
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक वर्ष 2019-20 और 2020-21 में खाली पदों का विवरण एकत्र करके उनका सत्यापन करके जो अध्याचन है उसे तत्काल भेजें। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अध्याचन लेने के लिए पुनः वेबसाइट खोलने का अनुरोध भी किया गया है। इससे पहले चयन बोर्ड ने 2019-20 और 2020-21 में खाली पदों को भरने के लिए 29 अक्टूबर TGT और PGT के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। तो विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए चयन बोर्ड ने 10 नवंबर को बैठक में TGT जीव विज्ञान को भी बहाल कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जीव विज्ञान बहाल जरूर होगा, क्योंकि 1921 की जो नियमावली है अभी उसमें संशोधन भी नहीं हुआ है शासन की ओर से। दूसरी बात यह कि जो तदर्थ शिक्षकों को शामिल करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी, अगर जीव विज्ञान की परीक्षा ही नहीं होती तो जो तदर्थ शिक्षक थे वो लोग ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते, तो उनको भी शामिल करना यहाँ पर अपरिहार्य था, जिसकी वजह से ये परिवर्तन किया गया है। हालांकि अध्याचन जो है लेट अगर आता है, मान लेते हैं कि अभी तो लगभग काफी दिन बीत चुके हैं, 10-12 दिन बीत चुके हैं और ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वो चली रही है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जीव विज्ञान के लिए वेबसाइट को ओपन होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। तो ऐसे समय में जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आवेदन लेने की जो प्रक्रिया है उसकी डेट आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के आवेदन चल रहे हैं, जो आवेदन कर पा रहे हैं, वो लोग अपना आवेदन फटाफट कर लें, क्योंकि आगे चलकर मुश्किलें ही आने वाली हैं, क्योंकि वेबसाइट तो निश्चित रूप से जो होती है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से कोरोना काल में TGT प्रवक्ता के साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के जो साक्षात्कार हैं वो 29 नवंबर को करवाए जाएंगे, ये नई डेट आ गई है, तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और अगर आप TGT PGT 2020 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप जो है studywithgyanprakash.com पर विजिट कर लिया करें, जहां पर प्रतिदिन हम नए क्वेश्चन पेपर को, नए सभी विषयों के लगभग लगभग नए जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको अपडेट कर रहे हैं। अगर आपका जो विषय है उसका क्वेश्चन पेपर अभी नहीं है तो बहुत जल्दी वहां पर उपलब्ध होगा, तो दिन में एक बार आप लोग विजिट जरूर किया करें। और आप लोगों की सुविधा के लिए हमने TGT PGT 2020 के नाम से एक टेलीग्राम पर चैनल बनाया है, जहां पर आपको सारी सूचनाएं, सारी PDF जो भी होगा सब कुछ आपको एक ही जगह पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारा जो पर्सनल ग्रुप है स्टडी विज्ञान प्रकाश, उसको भी आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सर्च करिए स्टडी विज्ञान प्रकाश और ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही TGT PGT के लिए आप लोग सर्च करिए TGT PGT 2020 और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और आप सभी को धनतेरस की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रकाश के पर्व दीपावली की भी ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आपके जीवन में इस बार नई रोशनी आए, नई खुशियां आए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो।